as we get ready to catch up with leaders in the hustle bustle of elections as they crisscross the country in anticipation of a favorable result in the biggest match of democracy, the elections of 2014. The suspense is getting too much for all political pundits. Our guest on Real Politics today is somebody who's called the main character of the Plan B within the BJP. Many say if the numbers are less than 200, then it could be this man who could be the key player in being the kingmaker as far as the elections of 2014 go. With us this morning is Mr. Rajnath Singh, BJP President. Welcome to Real Politics, Mr. Rajnath Singh. BJP ki leher sab keh rahe hai. हर सर्वे में ये दिख रहा है, आप कह रहे हैं 272 प्लस, रियलिस्टिक एस्टिमेशन क्या है? रियलिस्टिक ही मैं कह रहा हूँ, 272 की जो मैजिक फिगर है, उस मैजिक फिगर को इस समय बीजेपी लेडी एनडीए क्रॉस करने जा रहा है। आपको और मुझे तो ये उम्मीद है कि शायद बीजेपी को ही 272 सीट्स पर कामयाबी हासिल हो जाए। तो ये बीजेपी के लिए पहली बार होगा अगर वो खुद स्वयं 272 फिगर पहुंच जाती है? तो पहली बार होगा। तो ये मोदी लहर है या बीजेपी की लहर है? देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, मोदी जी इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। सारा देश यह चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, शासन की बागडोर उनके हाथों में आनी चाहिए, क्योंकि इस देश के समक्ष जो तरह तरह की चुनौतियां हैं, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का है, इन सब सारी बीमारियों से यदि निजात कोई दिला सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी दिला सकते हैं, यह विश्वास पूरे देश की जनता में है। पर राजनाथ जी, बीजेपी ने हमेशा कहा है कि वो कभी अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, लेकिन आपकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है लखनऊ में मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ, तो क्या ये माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं है? क्या मैं पहली बार मिला हूँ? क्या इसके पहले जो है मुस्लिम समाज के लोगों से मैं नहीं मिलता रहा हूँ? लोगों का कहना है कि आप एक अपनी इमेज बना रहे हैं कि आप वाजपेयी की तरह ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, इसलिए आप मिल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, सभी लोग जो जिसका मानसिक स्तर होता है उसी हिसाब से सोचता है, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से। किसी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर देना, मैं समझता हूँ उसके साथ यह इंसाफ नहीं माना जाएगा। और मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के जो डिग्निफाइड लोग हैं, क्या उनसे हमको नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जब सोनिया जी मिलती हैं इमाम बुखारी से, तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को जाके कंप्लेन करता है। मैं जब मिला हूं तो मैंने किसी से भी नहीं अपील की है, और जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है वो लोग भी सुन रहे होंगे, आप उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं, वो लोग खुद बतलाएंगे आपको। मैंने किसी से अपील नहीं की है कि आप पूरी कौम के लिए कोई फतवा जारी करिए अथवा कोई अपील जारी करिए, या मैंने नहीं कहा है। एक शिष्टाचार के नाते इसे कड़सी काल कहते हैं। मैं ऐसे जितने प्रतिष्ठित लोग हमारे लखनऊ शहर के हैं उनसे मैं मिलने गया। जो स्कल कैप पहनने की बात होती है, ये भी आप क्या समझते हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? अरे प्रतीक क्या, इसको मैं कोई प्रतीक नहीं मानता हूँ। आपने स्कल कैप पहना? नहीं, मुझे यदि कभी किसी ने पहना दिया तो पहन लिया है। आप उसको क्या समझते हैं, ये क्या? मैं कुछ नहीं, मैं समझता हूँ, मैं यदि किसी के उसमें गया हूँ कहीं पर, तो किसी ने यदि कुछ पहना दिया तो मैं उस पर आपत्ति नहीं करता हूँ। पर ये अगर मोदी जी ने कहा कि ये स्कल कैप पहना एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अपीजमेंट का ही है, आप इसे अपीजमेंट समझते हैं? नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि अपीजमेंट है कि क्या है, कैसे है, ये इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने अपनी सोच की बात जो बता रही। आपकी सोच क्या है इस बात? नहीं, मैं जाता हूँ तो हुआ है, तो ऐसे एक दो चार बार छः बार अवसर आए हैं तो मैंने पहन लिया है। तो ये आप समझते हैं कि इज इट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट? मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं मानता हूँ। नहीं, पर आपने पहना तो आप समझते हैं कि ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है? कहीं किसी ने ये पहना दिया जिसे शाल बोलते हैं, किसी ने दुपट्टा डाल दिया,
किसी ने कुछ पहना दिया, किसी ने चंदन लगा दिया, किसी ने तिलक लगा दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तो आप समझते हैं जो जैसे रहता है बस मैं सहज रूप से हमारा जो स्वभाव है उसके अनुरूप मैं करता हूँ। आपको लगता है कि ये इलेक्शन कहीं ना कहीं आके सेक्युलर कम्युनल के डिबेट में कहीं उलझ सा गया है, जबकि आपने कहा था कि ये गवर्नेंस और डेवलपमेंट की इश्यूज पे चले? ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, यह तो कांग्रेस ने बराबर कम्युनल बेसिस पर पोलराइजेशन की हर चुनाव के दौरान कोशिश की है, हर चुनाव के दौरान ये कांग्रेस करती है। अंग्रेज हुआ करते थे तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट किया, अंततोगत्वा भारत को दो टुकड़ों में कर दिया, पर अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कांग्रेस ने पूरी तरह अडॉप्ट कर दिया है। क्या जिस कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 ईयर्स तक इस देश में सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, क्या उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि 55 वर्षों के अंदर इस देश में एक सोशल हार्मनी और कम्युनल हार्मनी स्टेब्लिश कर सके? क्यों नहीं बना पाई? किस पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? कांग्रेस कहती है बीजेपी, क्योंकि अमित शाह के स्टेटमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी को इसका गिल्ट बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी इमरान मसूद के स्टेटमेंट्स आए, मैं वोटी वोटी कर दूंगा। देखिए कई बार अमित शाह के स्टेटमेंट पर कई बार मैं क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ, हेल्दी डेमोक्रेसी में यदि कोई बदला लिया जाता है तो वोट के माध्यम से बदला लिया जाता है, और मैंने उनसे बातचीत की जो मुझे बताया कि जिस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने और इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने देश के लिए जो सारे संकट पैदा किए हैं, अब उन संकटों से निजात पाने का समय आ गया है, इसलिए अब उस कांग्रेस से बदला ले लीजिए, डेमोक्रेसी में बदला वोट के माध्यम से लिया जाता है, यह उन्होंने अपील की। अब उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मैं समझता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने 2002 के लिए बीजेपी से ये कहा है कि उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, जबकि 1984 के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों ही अपोलोजाइज कर चुके हैं। आपको लगता है कहीं गुंजाइश है कि बीजेपी को भी अपोलोजाइज करना चाहिए 2002? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। क्या अंतर? किसने कहा था कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है 1984? किसने उस समय दंगा भड़काने की कोशिश की थी? कांग्रेस ने की थी, क्षमा करिएगा, स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा यह कहा गया था। नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा कभी कुछ नहीं, तो इसलिए उनको माफी मांगनी क्यों? मैं सीएम रहा हूं, मैं जानता हूं, कोई भी सीएम या कभी नहीं चाहता है कि उसकी स्टेट में किसी प्रकार की अनार्की पैदा हो, दंगे पैदा हो, फसाद हो, कोई सीएम नहीं चाहता है। अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना इफर्ट होता है इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए करता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर होता है अगर दंगे इस तरह से फैल जाए, तो स्टेट का फेलियर नहीं माना जाता? क्या आजाद भारत के इतिहास में केवल एक दंगा 2002 में गुजरात में हुआ है? क्या कांग्रेस के रिजिम में हजारों दंगे नहीं हुए हैं? क्या यह सच नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों के अंदर 100 से अधिक कम्युनल रायट्स और कम्युनल टेंशंस की घटनाएं नहीं हुई हैं? तो नाविका उन लोगों से क्यों नहीं कहा जाता कि क्षमा मांगे? हम लोग इस देश के दूसरी स्टेट्स में भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ दंगे नहीं होते, क्यों सपा के यहाँ गवर्नमेंट रहती है वहीं दंगे होते हैं? जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है राजस्थान में, राजस्थान की गवर्नमेंट क्यों दंगे हुए? वसुंधरा राजे के शासनकाल में वहाँ दंगे क्यों नहीं हुए? पर दो गोवा, गलत गो, से गो, एक सही तो नहीं गो, हो जाता। गोवा में हम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन सब सारे लोगों को लेकर सरकार चला रहे हैं, वहाँ ऐसे क्यों नहीं दंगे फसाद होते? क्यों कांग्रेस, सपा, बसपा ऐसी राजनीतिक पार्टियों के इस सरकार बनने के बाद ही दंगे फसाद होते हैं? इसके बारे में देश को सोचना चाहिए। कब तक देश की जनता में आंखों में धूल झोंकी जाती रहेगी? कब तक देश की जनता को गुमराह किया जाए?
बीजेपी जो कहती है उसके वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी कहते हैं, मैं जानता हूँ, लोग तरह तरह के संदेह, तरह तरह की आशंकाएं, किसी की छवि धूमिल करने के लिए अनाप शनाप के बातें बोली जाती हैं, लेकिन हम लोग कभी पूरा पूरी सावधानी बरतते हैं। जो हम कहें वह करें, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही और ये कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। आपका क्या सोचना है कि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं ना कहीं उनसे ढील हुई है मुजफ्फरनगर की राइट्स में, तो आप क्या समझेंगे कि एज बीजेपी कम्स टू पावर, क्या आप डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे जो जिनके खिलाफ ऐसे चार्जेस आए? नहीं, सब मामलों की जो जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आएगी, वो उस पर कार्रवाई होगी। हम रिवेंजफुल एटीट्यूड रखकर हमारी सरकार आएगी तो काम नहीं करेगी। विंडिक्टिव हम लोग बाय नेचर नहीं है। आपने ये हमेशा कहा है कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक टेम्पटेशन होती है हर सरकार की कि जब वो पावर में आता है तो सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, अपने लोग अपॉइंट करे, तो बीजेपी क्या इससे दूर रहेगी? क्योंकि मायावती का कहना है कि ताज कॉरिडोर केस में बीजेपी ने सीबीआई का इस्तेमाल किया था। कहने दीजिए उनको, लेकिन यही सीबीआई है कि जब हम लोगों की बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे हमारे नेता, स्वयं जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें उनका नाम है। यदि सीबीआई का दुरुपयोग किया होता बीजेपी ने, क्या उनके नाम शामिल होते? कितने प्रमाण चाहिए बीजेपी के इस देश को? और मैं तो नाविका ये मानता हूं कि मैं मीडिया से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं सही स्थिति इस देश की जनता के सामने लाई जानी चाहिए। Welcome back. We are in conversation with BJP President Mr. Rajnath Singh. Mr. Rajnath Singh, Finance Minister और Congress Party ने आप पे आरोप लगाया है कि आप लोग क्रोनी कैपिटलिज्म का एक विशेष करके आप बीजेपी जो है इस तरह की सरकारें चलाती रही है। मोदी जी के ऊपर खास राहुल गांधी ने भी लगाया है चार्ज कि वो टॉफी टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस दाम पे टॉफियां मिलती हैं उस दाम पे ज़मीनें दी गई हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। तो आप क्या समझते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म इज समथिंग दैट विल कम बैक विद द बीजेपी? क्रोनी कैपिटलिज्म को किसने बढ़ावा दिया है इस देश में? क्रोनी कैपिटलिज्म को किसने प्रमोट किया है इस देश में? किसने पैदा किया है? हमने बिल्कुल मिट्टी के भाव कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। तो वो मैं समझता हूं कि अपनी फेस सेविंग के लिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर ये कांग्रेस बचना चाहती है। पर कहीं ना कहीं राजनीति, देखिए, हम जिस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं वह आइडियोलॉजी ही हमारी है। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति वह केंद्र बिंदु में होता है, और वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानव दर्शन। हम मनुष्य को ही केंद्र बिंदु में रखकर विचार करते हैं, और वह मनुष्य जो कि समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ। तो ऐसी आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाली बीजेपी कभी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है इस देश। राजनाथ जी, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी बीजेपी के ऊपर। बीजेपी जिसको कहा जाता है पार्टी विद अ डिफरेंस, आपकी वेबसाइट में ये कहा गया है भी। लेकिन ये तो पार्टी ऑफ डिफरेंसेस हो गई है। नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी कहते हैं कोई मोदी वेव नहीं है, ये बीजेपी की। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। पर आपके अपने लीडर देखते हैं, बीजेपी के एक साधारण से कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सभी एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। पर ये आपको डिफेंड करना पड़ता है। आपका अपना एक ट्वीट आया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। बिल्कुल नहीं, लोग मायने क्यों पढ़ते हैं? अब लोग ये समझें, क्योंकि आपने कहा
जब मोदी सरकार का दौर चल रहा है, जो आपकी टैगलाइन है, तो आपने उसको बदल के बीजेपी सरकार कहा, इसका तो इसका अर्थ निकालेंगे लोग? इसका दूसरा अर्थ इसलिए निकालते होंगे, शायद मोदी और बीजेपी दोनों को अलग अलग मानकर चलते हैं, शायद इसलिए अर्थ निकालते होंगे। अब एक और परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है, और जो मुलायम सिंह जी ने जिसकी तरफ संकेत किया अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर नंबर इस तरह के आए तो एक और शख्स है जो प्रधानमंत्री बन सकता है और बीजेपी वाले उसको बनाएंगे, तो एक प्लान बी बीजेपी का हमेशा बात में आती है और उसमें राजनाथ जी प्रधानमंत्री। ये मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा जानबूझकर जनता के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। मैं बार बार क्लेरिफाई कर चुका हूँ, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नरेंद्र भाई मोदी को घोषित किया है मैंने, सभी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स को विश्वास में लेकर, प्रधानमंत्री यदि कोई बनेगा तो नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये कई बार मैं क्लेरिफाई कर चुका हूँ। हमारे बार बार क्लेरिफाई करने के बाद ये सवाल क्यों खड़े होते हैं? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि अगर नंबर 230 240 बीजेपी के रहे और अलायंस पार्टनर्स के साथ आप जैसे कह रहे हैं 272 का आंकड़ा पार हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार सर्वेस गलत भी होते हैं और अगर ये नंबर 180 और 200 के बीच में आके अटक गया तो दूसरी अलायंस पार्टनर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, तलाश करने पड़ेंगे। ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, नवीन पटनायक, ये कोई भी मोदी के साथ काम करने को तैयार नहीं है, शायद आपके साथ काम करने को तैयार हो। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी समाप्त हो चुकी है, आज यूपीए के साथ 8 अलाइज हैं तो आज बीजेपी के साथ 25 अलाइज, आज 25 हैं, जरूरत पड़ेगी तो 35 होंगे, जरूरत पड़ेगी तो 50 होंगे, लेकिन बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी। राजनाथ जी एक और सवाल है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आपके, मुरली मनोहर जोशी हैं, अडवाणी जी हैं, आप हैं, क्या ये लोग कैबिनेट में मोदी के अंडर काम करेंगे? अरे अंडर क्या, तो फिर मोदी के कैबिनेट में इनका क्या रोल रहेगा? ये आपकी सरकार बन जाएगी तो इनका क्या रोल रहेगा? बीजेपी ने इस पे मेरी बहुत 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 स्पष्ट धारणा है कि चाहे स्टेट की कैबिनेट बनती हो, सीएम बनाता हो, अथवा पीएम को सेंटर अपनी गवर्नमेंट यदि बनानी होगी तो ये पीएम का प्रेरोगेटिव होता है कि अपने कैबिनेट के मंत्रियों का वह सिलेक्शन करें। तो ये सीनियर लीडर्स जो हैं, ये मोदी जी अपने से बड़े, अपने से वरिष्ठ नेता को अपने अधीन काम तो नहीं करवा सकते? इतना मैं जानता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, विनम्रता और शालीनता की पराकाष्ठा भी नरेंद्र भाई मोदी में मैंने देखी। राजनाथ जी का क्या रोल रहेगा? आप इस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चला रहे हैं पार्टी को, आप प्रेसिडेंट हैं, एक बार 2014 का इलेक्शन डिलीवर हो जाएगा तो फिर आप सरकार में रहेंगे या पार्टी में रहेंगे? क्या इलेक्शन समाप्त हो जाने के बाद पार्टी भंग हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी रहेगी, राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप सरकार में जाएंगे? मैं दो बार कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका हूँ, स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। आज जो पार्टी ने पार्टी आप पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं फ्यूचर की बात, फ्यूचर की, इस समय मैं प्रेजेंट में जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो फ्यूचर में जब आप कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो आपका क्या रोल रहेगा? अरे भाई तब भी हमारा 2 साल का कार्यकाल अभी शेष है और संविधान में संशोधन भी हो गया है, यदि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज चाहेगा बीजेपी का तो फिर दोबारा भी बना सकता है, यह भी संशोधन हो गया है, तो हमारे पास तो पूरा का पूरा समय बचा हुआ है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो नाविका। That is what Mr. Rajnath Singh is saying, not getting pinned down on what he will do post the elections on May 16th. But clearly, he has a well-defined role as BJP president, trying to take his party into victory in the elections of 2014. As he gets ready to crisscross the country as the most busy person after Narendra Modi in the elections of 2014, Rajnath Singh is set for the test of his life, because if the 2014 election goes to the BJP, a large share of the success will go to Rajnath Singh. That's what he's looking for. That's all we have for you this weekend on The Real Politics.
much more on The Real Politics next weekend.